तो देखो, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, इंग्लिश में क्या चीज़ें अवॉइड करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे से सुन लो, इनको फॉलो करना, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी इससे। सबसे पहले देखो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है इंग्लिश। सबसे पहले सीक्वेंस ये रखना अटेम्प्ट करने का, जैसे ही आपके सामने पेपर खुलता है, यदि आरसी आता है तो आप उसको स्किप कर दो। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, कभी 9 भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एरर डिटेक्शन पे। ठीक है, और यदि नहीं आता है तो जो 5 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं, इनमें से कोई भी आता है तो आपको वो कर लेना। ऐसा नहीं कि एरर डिटेक्शन ढूंढने बैठ गए, फिर दूसरे पर फिलर्स ढूंढने बैठ गए, ये नहीं करना। इन 5ों में से कोई भी आपको पहले मिल जाता है तो वो आप पहले कर लेना। ठीक है, एरर डिटेक्शन पहले क्यों करना है? देखो, एरर डिटेक्शन इसलिए करना है, यदि ग्रामर के रूल आपको याद होंगे तो आप तुरंत उसको पुट करोगे, आपका आंसर टिक करोगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाना। ठीक है, उस पर अटके मत रहना, तो यहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हो। फिलर्स और क्लोज टेस्ट में भी सेम चीज़ करना है आपको, या तो ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है ना, या फिर वर्ड को रिप्लेसमेंट वहीं से करना होगा। ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड रिप्लेसमेंट में भी सेम चीज़ करना होती है, तो वहाँ चीज़ें गिवन होती है, ऑप्शन में से आपको समझ में आ रहा है तो आप टिक करो, उसमें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं, उसमें मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में भी आपको यदि वर्ड समझ में आ रहा है, आपको स्पेलिंग आती है, तो आप टिक करो, नहीं तो उसको आगे बढ़ जाओ। ठीक है, करेक्ट वर्ड सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन आता है जिसमें ABC ACB है ना, उनको अरेंज करना होता है। तो ये जो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, ये आपको पहले करना है, जिस भी सीक्वेंस में ये मिल जाए। ठीक है, और कोशिश करना है कि इसमें आप अपना टाइम बचाओ, है ना, 10 से 11 मिनट में इनको आप कंप्लीट कर लो, ताकि आप जो बाकी के 3 टॉपिक जो मैंने नीचे लिखे हैं उनको अपना टाइम दे पाओ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैच द कॉलम भी आए, पैरा जंबल भी आए, और जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है वो सब कुछ आए। मैंने इसमें ओवरऑल चीज़ें लिख दी हैं जो जो आती हैं पेपर में। ठीक है, हो सकता है किसी की शिफ्ट में पैरा जंबल आ जाए, किसी की में मैच द कॉलम आ जाए, किसी में दोनों आए, किसी में दोनों ना आए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। और पैरा जंबल भी देखो 2 टाइप से मैं बता रहा हूँ, या तो ईजी आएगा, ईजी आएगा तो या तो कोई स्टोरी दी होगी तो स्टोरी का सिक्वेंस समझने में आसानी होती है, और यदि कोई इकोनॉमी पे दिया है या कोविड पे दिया है या ऐसा कुछ पैरा जंबल दिया है, ठीक है, तो वो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो उसमें फंसना मत। क्यों, क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग का तो आपको समझ में आ जाएगा, बीच में आप फंस जाओगे, सोचते रहोगे, आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर आरसी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, ईजी हो तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, नहीं हो इजी तो शुरू में उसको स्किप कर देना, लास्ट के लिए छोड़ देना। ठीक है, और आरसी भी आपको लास्ट में बनाना है। और मैंने यहाँ पे ये एरो इसलिए बनाया है कि ये एरो यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है कि यदि पैराजम्बल ईजी है तो उसको पहले बना लेना, ठीक है, और यदि आरसी है तो आरसी ईजी है तो आप उसको पहले बना लेना, लेकिन यदि पैराजम्बल आपको देख के समझ में आए कि डिफ़िकल्ट है, सेंटेंस काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, तो उस पर अटकना मत, नहीं तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आप आरसी को टाइम नहीं दे पाओगे। देखो, ये जो 3 टॉपिक है ना, लास्ट के 2 स्पेशली, इन पे आपको करना है आपका टाइम इन्वेस्ट, मतलब ऊपर से यदि आप टाइम बचाओगे ऊपर वाली मिसलिनियस सारे एक्सरसाइज में, तो आप अपना यहाँ पे टाइम दे पाओगे। यहाँ पे आंसर्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 अरेंज कर लिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आरसी में आपने सारे आंसर्स ढूंढ लिए तो आपको 7-8 नंबर मिल जाएंगे। यदि वोकैब के 2-3 आपको नहीं पता है, हटा भी दो तो 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। फिर आप आ जाओ नीचे, अब आखिरी के 2 दिन में आपको क्या करना है, कल क्या करना है और परसों क्या करना है। देखो, मैंने स्टोरी बुक्स दिए 2 अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसमें मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे भी, तो आप ज्वाइन करके और वहाँ से वो बुक डाउनलोड करके PDF आराम से पढ़ लो, एकदम ईजी बुक है, उसको पढ़ो। ठीक है, और रस्किन बॉन्ड की बहुत बढ़िया छोटी सी बुक है और ज़्यादा नहीं, 23 पेज की है वो। वोकैब का रिवीजन देखो, यदि आप पढ़ते थे कुछ दिनों से लगातार वोकैबलरी, तो आप उसका रिवीजन कर लो, नए वर्ड्स याद करने की कोशिश मत करना, यदि पढ़े हैं तो उनका रिवीजन कर लो। और रीडिंग एज मच एज यू कैन, जितना आप रीड कर सकते हो इन 2 दिनों में रीडिंग करो, क्योंकि देखो ज़्यादा इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आराम से लेटे लेटे आप रीडिंग कर सकते हो, लेकिन ये कोशिश करना कि ऐसी चीज़ें पढ़ो जिनसे फालतू स्ट्रेस ना हो आपको। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक्स देखो, यदि पढ़ रहे हो, इतने समय से क्लासेस कर रहे हो या पढ़ रहे थे, रिविजन कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन नए टॉपिक्स लर्न करने की या ग्रामर के रूल्स को कल के कल लर्न करने की ये चीज़ की कोशिश आप मत करना। ठीक है, क्योंकि जो याद है इससे वो भी भूल जाओगे, और ज़रूरी नहीं कि आप जो कल पढ़ो वो आपको याद भी रहे एग्ज़ाम तक। ठीक है, और क्या अवॉइड करना है एग्ज़ाम में, देखो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है, जिसमें आपको 50-50 चांस लगे ना उसको टिक नहीं करना है, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चंस को टिक मत करना। ठीक है, और स्किप करना वो क्वेश्चंस को जो आपको कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना। तो ये सारी बातें थी इंग्लिश के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा आपको इंग्लिश से रिलेटेड डाउट हो तो वो आप पूछ लेना, और इस वीडियो को 2 बार देख लेना, और इस जो ये फ़ोटो है इसको मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, तो आप शुरू में मैंने दिखाई था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है, और 1-2 बार इसको देख लेना, और कल जो आप प्रीवियस ईयर मॉक देने वाले हो ना उसमें सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना,
और क्वांट के लिए मैं देखो ज़्यादा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वांट के लिए, तो कुछ नहीं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ही करना है, मिसिंग सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ में से मिसिंग आती है तो वो आपको पहले करना है। रॉन्ग करोगे टाइम भी जाएगा, सही बनेगी नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, पहली बात तो बने ना बने वो उसी की गारंटी नहीं, इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ को हमेशा बाद में करना, मिसिंग आए तो उसको पहले कर लेना, वो बन जाती है, ईजी होती है। क्वाड्रेटिक को पहले करना है, डीआई को पहले करना है, ठीक है। और डीआई में भी एक बात बता देता हूँ, यदि डेटा गिवन हो, पाई चार्ट वाले डीआई हो, बार ग्राफ हो या टेबल डीआई हो, तो आप इसको कैलकुलेट करके बना लेना है। लेकिन यदि केसलेट डीआई हो और आपको लग रहा है कि एक्स वगैरह की वैल्यू ज़्यादा गिवन है निकालना पड़ेगा, तो देखो सोच समझ कर उसको उठाना, यदि आपकी उस पर प्रैक्टिस अच्छी है तो ही वो आप उसको उठाना, नहीं तो आप 4-5 मिनट उसमें लगाओगे और नहीं बनी ना, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए, तो पूरे पाँचों क्वेश्चन हाथ से निकल जाएंगे, टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन यही वही यदि 5 मिनट में थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस यदि अरिथमेटिक पे है तो 3 क्वेश्चन भी 5 मिनट में बना सकते हो, तो 3 नंबर तो ले ही पाओगे। इसलिए डीआई में यदि केसलेट आए तो सोच समझ के उठाना। उसके बाद रीजनिंग में मैंने अपना एक 20 मिनट का लाइव रीजनिंग सॉल्व करने का वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख लो, उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। उस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, 1.5x या 1.25x पे देख लेना आप, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने देखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, और उस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैसे तुरंत फटाफट क्वेश्चन को स्विच करना होता है ना, पजल्स को पहले कैसे स्किप करना होता है, कौन से मिसलेनियस क्वेश्चन पहले बनाना होते हैं, और वन लाइनर्स को लास्ट में लास्ट के लिए बचाना होता है ना, ये सब चीज़ें उसमें आप देख लोगे, लाइव मैंने सॉल्व किया तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताना, इससे आपको हेल्प हुई कि नहीं, और यदि इसके अलावा भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो कमेंट में लिख देना, और होगा तो मैं उसके लिए आपके लिए कुछ कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा या फिर ग्रुप में वॉइस मैसेज दे दूंगा। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे देता हूँ, कमेंट कॉलम में पिन कर देता हूँ, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, और ये चीज़ ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टोरी बुक मैंने डाली है टेलीग्राम चैनल में, ये ज़रूर से डाउनलोड कर लो, कल ही आप आराम से पढ़ लोगे, छोटी सी है, ज़रूर से कर लो इसको डाउनलोड करके और इसको पढ़ लो, ठीक है। और कुछ लगे तो बताना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए हो तो ये आपको बाद में भी काम आएगा, पीओ हो चाहे क्लर्क, दोनों में ये चीज़ आपको काम आएगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और समझ में आए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाय, टेक केयर, लुक आफ्टर योर सेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स।